बस्तर में दो किसानों को जेल भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा ने इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन कर बस्तर भेजा था, जहां टीम ने पीड़ित किसानों से जेल जाने वाले मसले पर पूरी जानकारी ली है। साथ ही अन्य किसानों से भी पूछताछ कर विस्तार से जांच कर रही है। इस टीम में किसान मोर्चा के मंत्री भरत सिंह सिसोदिया, गौरीशंकर श्रीवास भी शामिल हैं। 7 दिनों तक जेल में बंद रहे ब्लॉक स्तर के ग्राम भटपाल के रहने वाले दोनों किसानों से टीम ने विस्तार से चर्चा की है। भाजपा नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि सभी किसानों को न्याय दिलाया जाएगा और उनकी समस्या का निदान भी किया जाएगा। किसान सुखदेव का कहना है कि कर्जा लेने के बाद पिछली सरकार में ही ऋण को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुखदेव ने बताया कि लोन की रकम उसके हाथ नहीं आई है, बिचौलियों ने पूरे रकम को ही गबन कर दिया था। किसानों ने नाराजगी भी जताई है। यही जो ड्रिप लगाने वाले मन, अच्छा, बल्लू चावड़ा और रघु सेठिया, इन लोग धोखा दिए तो मेरा नाम से 4 लाख नोटिस। कर्जा माफ तो बोले थे, लेकिन कर्जा तो हम लोग का हुआ नहीं। किसान मन तो बहुत है, कर्जा माफ नहीं हुआ है ड्रिप वाले मन का। हाँ, बैंक वाले भी कागज नहीं दे रहे हैं, पटाएंगे बोल के तो हिसाब नहीं दे रहे थे। अच्छा, हिसाब से हमको जेल चला गया। भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री गौरीशंकर श्रीवास ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर सारा ठीकड़ा फोड़ दिया है। महामंत्री ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में किसी भी किसान को जेल में नहीं डाला। श्रीवास ने कहा कि आने वाले समय में और 4 कमेटी गठित कर पूरे संभाग में किसानों के ऋण पर जाँच की जाएगी। यदि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं होती है तो आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले कहा था कि 10 दिन में सभी किसानों का कर्ज माफ होगा, तो यहाँ पर प्रदेश में 2 आदिवासी किसानों को जेल भेजा गया। इसके अलावा हजारों की संख्या में किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है। तो उसी तारतम्य में हम बस्तर गए थे, संबंधित पीड़ित किसानों के परिवार से मिले, किसानों से मिले और वास्तविक उसकी हकीकत जाने। किसानों ने साफ इस बात को कहा कि कर्ज माफी के नाम से हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, उसको वोट दिया है, कहीं ना कहीं अब सभी के माध्यम से सारी चीज़ें आ चुकी है। ऋण मतलब ऋण होता है, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, मिडिल, ऐसा कोई बात नहीं है। और ऋण को देखते हुए उन्होंने आवेदन भी दिया, उसके बाद भी उनका कर्ज माफी नहीं हुआ। 15 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी में किसी किसान को कर्ज माफी के नाम से या कर्ज के नाम से हमने जेल नहीं भेजा। ये इस पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जो किसानों का पुत्र और किसानों की सरकार बोलने का हवाला देती है। इन्होंने आदिवासी किसानों को जेल भेज दिया। इधर सत्ताधारी दल के नेता इस पूरे मामले को पिछली सरकार की देन बता रहे हैं। कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि किसानों को उपकरण देने के नाम पर किसानों को लोन दिया गया था, लेकिन सरकारी अधिकारी और बैंक कर्मचारियों ने मिलीभगत कर किसानों को छला है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के साथ झूठी वफादारी दिखाकर खुद को साफ सुथरी बताने का काम कर रही है। शैलेश ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सुख सुविधा के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगी। किसानों के साथ भाजपा की सरकार में 2009 में धोखाधड़ी हुई। किसानों के नाम से स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे कह के लोन निकाला गया, लेकिन किसानों के खेत में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा। उस समय के कृषि विभाग के अधिकारियों का दायित्व था इसकी देखरेख करना, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने और बैंक के अधिकारियों ने किसान के खेत में ये चीज लगी है या नहीं लगी है इसकी जांच किए बगैर दलालों के हाथ में और आपूर्तिकर्ताओं के हाथ में पैसे दे दिए और किसान के नाम पे कर्ज चढ़ गया। फलस्वरूप किसानों को सेक्शन 138 में चेक देने के कारण जेल जाना पड़ा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत भाटपाल के 2 किसान बिचौलियों के चंगुल में आकर लाखों रुपए का लोन निकाला, लेकिन उस लोन का 1 पैसा भी उन्हें नहीं मिला। किसानों का फायदा उठाकर सारा का सारा पैसा लूट लिया गया। अब राजनीतिक दल मामले को भुनाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी। We report, you decide.